अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टूथ टॉक। आज हम स्केलिंग के बारे में बात करेंगे। स्केलिंग की जो गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में या कोई मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं स्केलिंग के हवाले से, तो वो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर शहजाद के हेलो, साथ। अस्सलाम सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस माय पॉडकास्ट। प्लेजर। तो एक तो मुझे बताएं, जब स्केलिंग हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में कि डर आ जाता है कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे, ये मिसकंसेप्शन क्यों है लोगों के दिमाग में? हाँ, ये बड़ा एक जेन्युइन और बड़ा राइट क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्केलिंग जो है ना, उससे हमारे दांत जो है ना रगड़े जाएंगे या उनको कट किया जाएगा। जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे दांत ख़राब कर देगा, मुझे सेंसिटिविटी हो जाएगी। मुझे फ्रेंड ने बताया, मेरे पेरेंट्स ने बताया, मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि स्केलिंग कराने से आपके दांत वीक हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप स्केलिंग कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत वीक होकर गिर जाएंगे। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, या ये किसी का एक गलत परसेप्शन है। स्केलिंग का ताल्लुक सफाई से, और सफाई निस्व ईमान है। सफाई से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, चाहे आपके घर की सफाई हो, चाहे मुंह की सफाई हो। मुंह की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में हज़ारों किस्म के जरासीम रात को होते हैं। उसके बाद जब सफाई करेंगे तो वो आपके मसूड़े भी बेहतर होंगे और आपके दांत भी बेहतर होंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन परसेप्शन है। गलत है। एक तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं स्केलिंग के लिए, दैट्स अल्ट्रासोनिक, दैट हैज़ नो एबिलिटी टू कट योर टूथ। तो एक जो पेशेंट को लगता है कि दांत रगड़ा जाएगा, वो ऐसा नहीं है। वो वाइब्रेशन होती है जो कि आपके दांतों के ऊपर से डिपॉजिट्स को हटा रही हाँ, होती है। स्केलर जो है बेसिकली इट्स एन अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का मतलब है कि ये वाइब्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है, जिसका मतलब है ये आपके दांत के ऊपर लगता नहीं है, ये सिर्फ उसको टच करके आपके दांत के ऊपर जो जो कोई चिपका होता है, जो डेब्री चिपका होता है, जो प्लाक जो चिपका होता है, प्लाक होता है वो रिमूव जिसको करता होता है। है, या जिसको उर्दू जुबान में कड़ेरा कहते हैं, उसको वो रिमूव करता है, और उसकी वजह से आपके दांतों के सो अंदर इट्स दोबारा अ से नॉन कटिंग नॉन कटिंग, इंस्ट्रूमेंट। नॉन इन्वेसिव बिल्कुल प्रोसीजर, बिल्कुल। विच हैज नथिंग टू डू विद टूथ की ग्राइंडिंग या टूथ के डैमेज से। और दूसरा, फिर लोगों को ये लगता है कि स्केलिंग के बाद दांतों में स्पेसिंग आ गई है, ये पहले नहीं थी स्पेसिंग, आप लोगों ने स्केलिंग किया तो ये हमारे दांतों में स्पेसिंग जो क्रिएट हो जाती है, वो भी लोगों को लगता है कि वो स्पेसिंग बेसिकली इज ऑलवेज देयर, या जो कि टार्टर ने कवर की यस होती है, और जब वो यस टार्टर हटता है तो वो बेसिकली देखें, जब आपका दांतों के दरमियान चीज़ें फंसेंगी और दांत आप क्लीन नहीं सही की तरह करेंगे, सबसे पहले जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो उसके इमीडिएटली ऑटोमेटिकली आपके दांतों के ऊपर प्लाक सरफेस पे आने लग जाती है। अगर वो प्लाक को आप साफ नहीं करेंगे, उस प्लाक को आप साफ नहीं करेंगे तो वो प्लाक कैल्सीफाई हो जाएगी, यानी वो जो नरम चीज़ है वो सख्त हो जाएगी और वो दांतों के दरमियान आ जाएगी, और वो उस जगह पे आप ब्रश नहीं कर पाएंगे, और विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो गम है वो वहाँ से पीछे हो जाएगा और वो जगह ज़्यादा ले लेगा। तो जब आप किसी के पास जाएंगे और क्लीनिंग अपने दांतों की कराएंगे, स्पेशली स्केलिंग कराएंगे, तो वो आपको वैसे महसूस होगा कि अब मेरे दांतों में क्लीनिंग कराने से स्पेस आ गई, क्योंकि वो प्लाक ने या कैलकुलस ने छुपाई भी थी, तो अब वो जो सरफेस नज़र आने लग गई, तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस वजह प्रोसीजर की वजह से स्पेसिंग आ गई। तो ये बिल्कुल गलत है। स्पेसिंग आपकी क्लीनिंग की वजह से नहीं आती, आपके प्लाक या कैलकुलस रहने की वजह से आती और फिर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि स्केलिंग के बाद दांत उनके हिलने लग गए हैं, है। मोबिलिटी आ गई है, वो भी सिमिलरली स्केलिंग, वही ना, वो वही वही क्ला कॉन्सेप्ट, ये भी यही है कि वो टार्टर ने, कैलकुलस ने आपके दांत को होल्ड किया हुआ था, जब वो कैलकुलस हटा है तो वो दांत थोड़े से जो मोबिलिटी में आ जाते हैं, वो स्केलिंग की वजह से नहीं है वो। स्केलिंग की वजह से आपके दांत मोबिलिटी में आए हुए हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे रादर के वो हिल जाएंगे। सो स्केलिंग एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से आपके दांत मजबूत होंगे, खराब नहीं होंगे। और ये भी है कि जो लोग रेगुलरली स्केलिंग नहीं करा रहे हैं, वो चीज़ उनके दांतों को कमज़ोर कर रही है स्केलिंग नहीं करी है, बिकॉज ओवर टाइम जो प्लाक जमा हो रहा है वो आपके गम्स को नीचे पुश कर रहा है, आपकी हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं। सो इट्स द अदर वे राउंड, इट्स नॉट स्केलिंग दैट इज मेकिंग योर टीथ वीक, इट्स नॉट गेटिंग योर स्केलिंग डन ऑन टाइम एंड नॉट गेट And also not ट्रीटमेंट फॉर योर getting गम your डिजीज। scaling and polishing done by the right person. अगर आपका जो ऑपरेटर है उसको स्केलिंग का इतना आइडिया नहीं है, स्केलिंग भी एक देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डायग्नोस्टिक। जो आपका डेंटिस्ट है, अगर आपको वो डिजीज को डायग्नोज नहीं कर सका, स्केलिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर आपको गम डिजीज है तो अगर आपका जो डेंटिस्ट है वो नहीं इस चीज़ को डायग्नोज कर सका, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी हमने स्केलिंग करा ली फिर भी हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो इसका मतलब है कि आपको गम डिजीज़ चल रही है, उसके लिए आपका जो ट्रीटमेंट है वो सेपरेट है। सो मैं हमेशा से अपने जनरल डेंटिस्ट और अपने दोस्तों को ये बताता हूँ, स्पेशली जो मेरे साथ काम करते हैं उन लोगों, कि आप डायग्नोसिस करना सीखो ताकि आपका पेशेंट उस चीज़ के से फ़ायदा उठा सके। कल को कोई जो बंदा है जिसको गम डिजीज़ है, आपको सिर्फ उसको क्लीनिंग करी जा रहे हैं स्केलर से, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो एज यू सेड, डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट,
पता होना चाहिए कि पेशेंट को सिंपल स्केलिंग की ज़रूरत है या डीप स्केलिंग की ज़रूरत है। सेंसिटिविटी, कुछ लोग कहते हैं स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। सेंसिटिविटी देखें, सेंसिटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ के टूथ के अंदर कोई मसला है। अगर आपके टूथ के ऊपर बहुत सा इनेमल जो है ऑलरेडी रब ऑफ हो चुका है, जिसका रीज़न हम पहले भी बता चुके हैं, वो ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक पी है, या आप बहुत ज़्यादा कोई लेमन ड्रिंक्स पीते हैं, या कोई ऐसे आपको एसिडिटी का इशू है या रीगर्जिटेशन है, जिसकी वजह से आपका जो इनेमल है वो वेयर ऑफ हो रहा है, जिसको एक ब्रॉडर टर्म में आप समझ लीजिए कि एक टर्म है जिसको कहते हैं टूथ वेयर। टूथ वेयर किसी वजह से भी हो जाए, कुछ लोग ब्रश को पकड़ के ऐसे समझते हैं दांतों को स्क्रब करना है, तो जब आप बहुत ज़ोर से अपने दांतों को स्क्रब करेंगे तो आपके टूथ वेयर होगा, आपका जो इनेमल है उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, आपका जो डेंटिन है जो इनेमल के नीचे पार्ट है उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, जब आप बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं तो वो पार्ट एक्सपोज हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स पीते हैं तो उसकी वजह से आपका दांत जो है वो एक्सपोज हो गया है डेंटिन को, क्योंकि जो इनेमल का जो पार्ट है वो अगर आप फिजी ड्रिंक्स देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, कहने का मकसद ये है कि जो ड्रिंक्स हैं उसके अंदर कार्बोनेट होता है, कार्बोनेटेड होती है, तो कार्बोनेट जो है वो इनेमल के साथ बाइंड करता है, बाइंड का मतलब है वो जाके इनेमल के साथ चिपक जाता है, और कार्बोनेटेड का मकसद क्या है कि वो दांत को वेयर ऑफ कर देता है। जिस तरह आप समझ लें कि एक एसिड किसी चीज़ पे डाल दिए, वो एसिड जो है उतार देगा हर चीज़ को, तो इसी तरह कार्बोनेट भी एसिड रिएक्शन करता है और दांत के ऊपर से एनेमल को बिल्कुल उतार देता है, उसी की वजह से दांत की जब इरोजन होती है तो वहां पे सेंसिटिविटी हो सेंसिटिविटी जाती होती है। है। स्केलिंग से बेसिकली होता क्या है, जब आपके दांत के ऊपर प्लाक लगी हो या कैलकुलस लगा हो और आपका दांत के ऊपर से जब उतरता है तो आपके जो दांत है उसको वो लगता है वो बेसिकली रूट दुनिया में नहीं, वो वापस ये आ भी गया होता है है। ना कि रूट पार्ट थोड़ा सा रूट एक्सपोज पार्ट हो भी जाता हो है। गया, रूट पार्ट लेकिन इज जो अ बिट सेंसिटिविटी मोर मोस्टली लोगों सेंसिटिव। को होती है उस वजह से होती है कि उनका जो एक्सपोज पार्ट जो दांत का हिस्सा छुपा हुआ था रूट, कैलकुलस वही है रूट या पार्ट। वो अब दुनिया में या मुंह के हाँ अंदर एक्सपोज हो गया, तो वो उनको फिर सेंस, बट बट इट्स टेम्पररी, इज जो वेरी कि एक दो दिन टेम्पररी, बाद ठीक हो इज वेरी जाती है। टेम्पररी यस एंड इट गोज बैक एज सून एज यू यस स्टार्ट ब्रशिंग हाँ प्रॉपरली एंड यू नो योर यू हैव अ टूथपेस्ट व्हिच हैज फ्लोराइड इन इट, या तो फिर वो सेंसिटिविटी विल गो, इट्स नॉट अ यस परमानेंट यस थिंग। इट्स नॉट परमानेंट। अदर देन दैट, इफ योर सेंसिटिविटी डज नॉट गो, इट मींस देयर इज समथिंग मोर टू इट देन द ये There's जो another है, problem and you need to and I've discuss already that. told you tooth wear is one of the most Yes. important reasons of tooth और वो जो sensitivity. लोगों को लगता है कि स्केलिंग से एनामल कमजोर हो जाती है, No, ये that भी is a एक और very मिथ wrong है, concept and very कॉन्सेप्ट है। perception. या It's not हाँ, true. अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक दफा स्केलिंग करा लो तो बार बार करवाने की जरूरत पड़ती रहती है। That's Have not you true heard either. Yeah, I've heard that that? so many times. It's not true. I've had scaling done since I've been मेरा ख्याल है 12 years old. I'm not going to tell you my age, but yes, my father has been doing this, so I'm still getting it done. यस, एंड देन So, सम पीपल थिंक कि आपके दांत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं स्टेन्स कैच करने को स्केलिंग के बाद। दैट्स अनदर दांतों का मिसकंसेप्शन। स्टेन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ फूड के साथ है, एग्जैक्ट, ड्रिंक्स के हाँ, साथ आपके है, जो इंटेक है वही आपके दांतों हाँ, पे और शो होगा। पॉलिशिंग से ये है कि व्हेन यू हैव पॉलिश सरफेस तो उस पर स्टिक नहीं करती चीज़ें, सो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग आफ्टर 6 months, स्पेशली जिनकी ओवरऑल यस, हाइजीन हाँ, अच्छी ये है, क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कितने अरसे बाद करवा लेनी सिक्स चाहिए। सो मंथ 6 months, बट अनलेस इफ यू हैव गॉट सम गम डिजीज गोइंग ऑन, देन वी रिकमेंड अ 3 monthly चेकअप एंड देन वी देन लेट यू द नो। प्रोटोकॉल इज टोटली डिफरेंट, वी विल मेक अनदर मूवी वो वीडियो ऑन ऑन दिस, अ लॉन्गर वीडियो ऑन या दैट। बिकॉज या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गम डिजीज ठीक से है। बोल होंगे दांत खराब हो। सो आई होप इस वीडियो और इस डिस्कशन से काफ़ी लोगों के मिसकंसेप्शंस और मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग स्किन, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।